वही जयपुर में जम्मू कश्मीर में डोडा मुठभेड़ के दौरान अपनी जान गंवाने वाले सिपाही अजय सिंह नरूका और सिपाही बृजेंद्र कुमार को अंतिम श्रद्धांजलि दी गई। इस दौरान राजस्थान कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि हम अपने बहादुरों को सलाम करते हैं, सरकार को कुछ कदम उठाने चाहिए क्योंकि आतंकवादी घटनाओं की संख्या बढ़ रही है। हमारे वीर सपूत अजय सिंह और विजेंद्र सिंह दोनों शहीद हो गए आतंकवादी हमले में। ये हमारे सबके लिए दुख की बात है और एक तरफ से गौरव की बात भी है कि हमारे सपूत शेखावाटी के सपूत जिन्होंने देश की एकता और अखंडता के लिए अपने प्राण न्योछावर कर दिए, शहादत दे दी, तो ऐसे शहीदों को हम सत सत नमन करते हैं, सैल्यूट करते हैं, इनके माता पिता को परिजनों को हम प्रणाम करते हैं और निश्चित रूप से ये सिलसिला रुकना चाहिए। काफ़ी आतंकवादी घटनाएं बढ़ रही हैं तो हमारी सरकार को, केंद्र सरकार को इसके ऊपर कोई कड़ा एक्शन लेना चाहिए क्योंकि 10 साल से हम देख रहे हैं कि बातें बड़ी बड़ी की गई थी लेकिन उन बातों पे कोई अमल नहीं हुआ और आए दिन आतंकवादी हमारे घर में घुस करके हमारे नौजवानों को शहीद कर रहे हैं, मार रहे हैं और हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसे में हम इस पर राजनीति नहीं करना चाहते लेकिन हमारा इतना निवेदन जरूर रहेगा प्रतिपक्ष के नाते कि सरकार को इसमें कुछ सख्त एक्शन लेना चाहिए कि भविष्य में इस प्रकार की आतंकवादी घटना में हमारे कोई जवान शहीद